जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। हम दोनों का चेहरा है, थिंक मैं इंग्लिश लिखता हूँ, ये स्थान दिखता हिंदी है, तो ये मेजर डिफरेंस है। हाँ, मतलब एक जगह एक का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और एक का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो इन दोनों लोगों की कहानी है, दोनों राइटर्स हैं, दोनों एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ज्वाइन करते हैं और फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन भी रहता है ऑब्वियसली। मतलब एटलीस्ट मेरे कैरेक्टर के दिमाग में तो रहता है, क्योंकि उसको ये कॉम्प्लेक्स है कि इसको ज़्यादा लोग प्रेज कर रहे हैं, इसके आइडियाज़ को लोग ज़्यादा सराहा रहे हैं बिकॉज वो अंग्रेज़ी में बात करता है, तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ऐसा दिखाते नहीं है इतना शो में, बट हाँ, तो मोटा मोटा ये है। अभी यार होता तो यही है, जैसे स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में हम बनाते हिंदी फिल्में हैं, पर हम जो बिज़नेस जो करते हैं इंग्लिश में करते हैं, जो बेसिक जो डिफरेंस जो हम देखते हैं यहाँ पर, सो वो है ही एक्सेप्टेंस ऑफ समवन हु स्पीक्स इन इंग्लिश। उससे हम जज भी कर लेते हैं कि शायद ये क्योंकि अंग्रेज़ी अच्छे से बात करता है या ज़्यादा रिटोरिक है, ज़्यादा अच्छे से बात कर लेता है, तो वो हम उसको इंटेलिजेंस में काउंट करते हैं, और जो हिंदी में शायद ज़्यादा उससे ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा अच्छा काम है उसकी, उसका जो काम है वो ज़्यादा अच्छा हो, बट वी कम टू कंक्लूजन कि शायद थोड़ा सा कम अकल है या एक्स वाई ज़ेड। हाँ, तो आई थिंक इंग्लिश के लिए का डिवाइड तो ऑल अक्रॉस द कंट्री है, मतलब डिवाइड एज इन के जो लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है उनको फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उनको लगता है कि हाँ, इसलिए फैमिलीज में बोला भी जाता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है हमारा लड़का, क्योंकि ये एक बड़ी बात मानी जाती है। अदरवाइज जिनको नहीं आती उनको, जैसे मेरी माँ को आज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उन अपने दोस्तों के साथ कई बार, बिकॉज वो बहुत अच्छी से नहीं बोलती हैं, तो आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल कॉम्प्लेक्स है, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि और हर फील्ड में है ये, यू नो, फिल्म्स में भी है, कॉर्पोरेट जॉब्स में भी है, हमारे हमने एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड दिखाया उसमें भी है, हर इंडस्ट्री में ये, आई थिंक पीपल हु आर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स, यू नो दैट बिकॉज दे आर नॉट गुड इन द लैंग्वेज, दे आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड एंड और दे आर नॉट रिस्पेक्टेड इनफ। नो, जैसे कि आपने पूछा है कि करना क्या, मतलब करने के लिए तो पता नहीं क्या है, बट अदरवाइज फ्रॉम इन माई लाइफ टाइम, अभी जो भी 25-30 साल, काफ़ी चेंज हो चुका है एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ समवन हु इज़ गुड इन द वर्क, भले वो हिंदी बोले भले वो कुछ भी बोले, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता होगा, उनकी जो स्ट्रगल है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, जर्नी ज़्यादा लंबा हो सकता है एक्सेप्टेंस में, बट एट द एंड ऑफ इट एक्सेप्टेंस अभी मिल रही है, सो बदलाव तो है ही, और हमारा शो भी उन्हीं लाइन्स को, दैट्स वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ इट दैट वी एड्रेस। करेक्ट। तो आप जब मैंने साइन किया था, जैसे हमारे जो डायरेक्टर है पैडी पद्म कुमार, जो हमें पैडी बुला, जो हम उन्हें पैडी बुलाते हैं, उनकी जो क्लैरिटी है, बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्रॉम द एड वर्ल्ड, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ होल्ड ऑन हिज कैरेक्टर्स, हिज इमोशंस, हिज प्लेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स वेयर एवर ही इज प्लेसिंग इट, सो वो जो मुझे मेरी पहली मीटिंग में मुझे समझ आ गई है। सो जब एज एन एक्टर किसी को लगता है कि डायरेक्टर को इतना होल्ड है और वो मुझे उस कैरेक्टर में देखते हैं, जैसे मेरा जो कैरेक्टर हेमा है, सो हाफ द बैटल इज़ वन एंड यू गेट, मतलब यू फील ईस्ट आउट बिकॉज यू नो दैट इज़ गोइंग टू टेक यू थ्रू द जर्नी। सो मेरे लिए तो वही है, प्रिपरेशन इज़ जस्ट टू लिसन टू हिम एंड इम्बाइब एज मच एज आई कैन, क्योंकि वो वर्ल्ड मुझे ज़्यादा डिटेल ही पता नहीं है, पर छोटा मोटा हमने वर्कशॉप्स भी किए, काफ़ी वर्कशॉप्स किए हमने, सो उसी के बदौलत वी जस्ट वेंट अहेड। एक्चुअली हाँ, मैंने कोशिश करी कि कुछ कोशिश वर्कशॉप करने के लिए की तूने? हाँ, मतलब वर्कशॉप तो मैं कर रही हूँ, बट कोशिश करी कि मैं भी उस बेल्ट से हूँ, नहीं मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हालांकि हिंदी वहाँ के लोग भी बोलते हैं, बट उनका एक अलग सा एक्सेंट होता है, कुछ शब्दों को वो अलग से बोल सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये वो बंदा है जिसकी अंग्रेज़ी भी बहुत सही नहीं है, तो भाषा पे थोड़ी सी कोशिश करी काम करने की, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे कोशिश करी, बाकी इन्होंने मूछ लगा दी तो उससे कैरेक्टर वैसे ही डिफरेंट हो गया। ना तूने लगाई क्या? हाँ, मतलब उगाया मैंने और लगाया भी, तो हाँ ये बेसिक प्रिपरेशन करी, बाकी हम सबका वर्कशॉप हुआ, क्योंकि ये एक आदमी की कहानी तो है नहीं है, बहुत सारे लोगों की एक साथ कहानी है, तो उन सबका आपस में केमिस्ट्री करेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे डायरेक्टर ने वर्कशॉपिंग करी, आई थिंक 2 हफ्ते तो हुआ, सब ने एक साथ यू नो साथ में एक्सरसाइजेस करी, सीन्स करे, आई थिंक विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इस शो में जो है
मंदिरा बेदी हैं जी, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? मेरा तो काफ़ी सीन्स है क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर बहुत क्लोज है मंदिरा जी के कैरेक्टर से. सो आई हैव शॉट अ लॉट विद हर एंड इट्स बीन फैंटास्टिक फॉर मी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सीनियर समटाइम्स यू गेट थोड़ा सा यू होल्ड ऑन टू इनिशियली जब तक आप थोड़ा सा ओपन अप नहीं होते. बट शी इज an actor who's been working for a very long time. She knows how to probably deal with juniors like me. So she did the whole thing and it was easy for me. So it was fantastic, yeah. She held on to me when I was losing a lot of scenes probably, I would say. Few scenes initially. And she made me go through those scenes, so. मेरा भी बहुत ही कमाल का अनुभव रहा. मैं इनफैक्ट थोड़ा सा अभी भी ऐसा है कि मैं थोड़ा स्टार स्टक हो जाता हूँ. तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि वो हैं और वो बहुत ही चार्मिंग हैं, काफ़ी प्रिटी हैं. और लेकिन आई थिंक वो बहुत ही गिविंग एक्टर हैं. मतलब वो इट्स मेरे बहुत सारे सीन्स नहीं हैं उनके साथ, लेकिन इट वाज वेरी इजी टू शूट विद हर क्योंकि वो आपको पूरा स्पेस देती हैं कि आप अपनी कोई भी चीज़ करना चाहते हो करो. तो वो बहुत हेल्प करता है, यू नो. आप अगर आपका किसी आप सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नीचे हो सकता है, बट वो माहौल ही ऐसा बनाया उन्होंने कि ऐसा हमें फील ही नहीं हुआ. तो आई थिंक कोई भी जो काम करेगा मंदिरा के साथ उन्हें बहुत मजा आएगा. मतलब मेरे काफ़ी सीन्स थे मंदिरा जी. आई थिंक आर डायरेक्टर इज़ वेरी हैप्पी. हम ऑल द इनफैक्ट शी वाज द मोस्ट लव्ड. नहीं मैं समझा नहीं, आप ये पूछ रहे हो कि क्योंकि रिलेट ज़्यादा करते हैं तो वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं थी ये सम. नहीं ऐसा नहीं बोल. ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी? ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी ये सवाल है ना. हाँ डेफिनेटली रिलेट कर पाएगी. वो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स साइन करने के लिए मेरे लिए, बिकॉज मुझे पता है कि इट विल बी एक्सेप्टेड बाई मोर नंबर ऑफ पीपल. आपकी और मेरी कहानी है. सो डेफिनेटली बहुत रिलेट कर पाए. काफ़ी एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है, रियल वर्ल्ड में सेटअप है. तो इसलिए लोग मतलब सभी जो इमोशंस आप देखेंगे वो आपको सच लगेंगे, आप फील करते हैं वो. और तो इसलिए आप रिलेट कर पाओगे. मतलब जैसे जो मेजरली हमारा ट्रेलर बात करता है वो दिखाता है कि हाँ थोड़ा इंग्लिश हिंदी का डिवाइड है. यही चीज़ आई थिंक बहुत कॉमन है जिस बारे में हमने बात भी करी ऑल अक्रॉस द कंट्री. तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लोगों को नए भी लगेंगे, इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और एट द सेम टाइम बहुत रिलेट भी कर सकेंगे वो उनसे और इंसाइटफुल भी होंगे क्योंकि एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. बट वो देखेंगे ये लोग तो हमारे जैसे ही हैं पर ये बना कैसे रहे हैं, यू नो, कैसे आइडियाज़ आते हैं फिर कैसे वो फिल्म्स में तब्दील होते हैं. तो उस हिसाब से मज़ेदार भी है. मुझे मैं बचपन में तो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ा था पर कुछ सालों से मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ. नहीं नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, बट बचपन में तो पढ़ते हैं. स्कूल की किताबें नहीं तो भले कुछ और भी पढ़ सकते हैं, पर मैं काफ़ी पढ़ता हूँ यार. फिलहाल तो इसके रिकमेंडेशन की वजह से मैं एक बुक पढ़ रहा था. कौन सी? सेपियंस. तो मैं उसके बीच में एक्चुअली सेपियंस का बहुत मजाक उड़ता था मतलब सेट पे, क्योंकि उस वक्त मैं सेपियंस पढ़ रहा था जब हम थिंकिस्तान शूट कर रहे थे. तो मैं उसी से लाइन्स कोट करता था कभी कोई बहस करते वक्त. तो एक सेट पे मजाक बन गया था कि ये इसने सिर्फ यही बुक पढ़ी है, यही बुक पढ़ी है और सालों से यही पढ़ रहा है. तो लेकिन मैं आप उससे पूछेंगे तो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स में से है. आई थिंक कमाल की किताब है. मुझे बचपन में एक किताब है जो बहुत पसंद थी, उसका नाम था द काइट रनर. मतलब बचपन में नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी वो और वो पढ़ते पढ़ते मैं रोया भी था मुझे याद. जैसे मेरा भी सेम राइटर का, मेरा फिक्शन में जो फेवरेट बुक है थाउजेंड स्प्लेंडर सन्स. मैंने नहीं पढ़ी वो. सेम राइटर है ना? सेम राइटर. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट. सेम थिंग. मुझे एक किताब और बहुत याद है जो मैंने एक ट्रेन जर्नी में ख़त्म की थी. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रात को, मैं बॉम्बे टू दिल्ली एक रात का सफ़र होता था तो मैं रात को चढ़ा और मैंने वो किताब ली और फिर सुबह तक मैंने ख़त्म की. ऐसा बहुत मतलब ऐसा मुझे याद नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट. उसका नाम था द वाइट टाइगर. वो अरविंद अडिगा की किताब है. वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी उस वक्त. और भी मतलब हैं लेकिन अभी तो यही नाम ध्यान आ रहे हैं. हम ही न्यू कमर हैं, हम दूसरे न्यू कमर्स को क्या बोलें? नहीं मैं तो वेटरन हूँ. खैर अभी ये वेटरन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आज जिस मुकाम पे मैं पहुँचा. हाँ तो अमित जी कुछ बता सकते हैं? अमित जी एक वो अमित जी थे ये अमित जी. एनीवे तो नहीं मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है यार. सभी एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है. यू नो आप अपनी कहानियाँ बताने के लिए आपको थोड़े कम धक्के खाने की ज़रूरत है. इतने सारे लोग हैं जो अपनी स्टोरीज़ बताना चाहते हैं. सो नाउ अब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए राइटर्स आ रहे हैं. तो आई एम श्योर जैसे फिल्म्स में भी काफ़ी बेकार चीज़ें भी आती थी, वेब शोज़ में भी बहुत एवरेज चीज़ें भी बन रही हैं, बट एट द सेम टाइम अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं. तो लोगों को चांस मिल रहा है, जो आई थिंक ऑडियंस के लिए और मेकर्स के लिए सबके लिए महान बात है मेरे हिसाब से. नहीं मैं तो इसी मैं तो जैसे इस किस्म का आइडिया आप कहाँ देख पाते, यू नो, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड. और अभी जो आपने ट्रेलर देखा है वो सिर्फ इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. थिंकिस्तान मतलब
काफ़ी नई चीज़ें दिखाएगा आपको जब आप देखोगे, तो आई थिंक वो सिनेमा में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता। सोच तो पता नहीं, लेकिन मज़ा आएगा मुझे पता नहीं। सोच तो एक शो से कितनी बदलेगी, इतना कुछ मैसेज वैसेज दे भी नहीं रहा शो शायद, बट एंटरटेन कर रहा है आपको मज़ेदार तरीके से, तो सोच बदल जाए। सोच वैसे सोच क्या बदल रहे हैं मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सोच बदलने की बात, तो मैं उससे ज़्यादा इलेक्शन से रिलेट नहीं कर पाता मैं उससे रिलेट नहीं करता हूँ जनरली। एंटरटेनमेंट में जो भी बनता है जनरली, अगर उसमें कुछ किसी को कुछ टच करता है, कुछ सिखा देता है और कुछ उनकी लाइफ में कुछ चीज लेकर आता है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, बट दैट्स ऑलवेज अ ब्रांच। वी बेसिकली इट्स टू एंटरटेन पीपल एंड मेक इट एज रिलेटेबल एज पॉसिबल, और गेट टेक देम इनटू अ मोर ऑफ अ फैंसीफुल इमेजिनेशन। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन दैट कि बहुत कुछ चेंज करता, बट इफ इट डज देन सो वेल मेड। और किसी को क्या अच्छा लगता है पता नहीं, कि आपको कई मोमेंट्स इंस्पायर भी कर सकते हैं, कई मोमेंट्स आपको रुला सकते हैं, कई मोमेंट्स आपको हंसा सकते हैं, तो वो सब है थिंकिस्तान के अंदर। क्योंकि नॉर्मल लोगों की स्टोरी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने में, दे आर क्रिएटिव पीपल, दे आर सुपर डुपर क्रिएटिव पीपल, एंड दे आर ऑल्सो डीलिंग विद नॉर्मल रिलेटेबल ह्यूमन इमोशंस। नहीं, एम एक्स प्लेयर सिर्फ ये शो नहीं, एम एक्स प्लेयर वैसे फ्री है, मतलब उसके लिए आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप उसे इंस्टॉल कीजिए और उसमें सारे। ये सवाल का जवाब जैसे जियो ने फ्री क्यों दे या हम नहीं जानते, जैसे वैसे भी एम एक्स ने फ्री क्यों दे, पर अच्छी बात है ना, फ्री में मिल रहा है तो ले लो, आप देख अच्छी चीज़, बहुत हाई क्वालिटी चीज़ हम दे रहे हैं। और इस किस्म का शो आपको फ्री में मिल रहा है, ये मतलब दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आफ्टर। और एम एक्स में सिर्फ ये एक ही नहीं है, काफ़ी शोज जो है, काफ़ी वेरीड शोज जो है इसमें आएंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आप सबसे पहले थिंकिस्तान देखिए, लाइक यू नो, मतलब अगर आपके पास एमएक्स प्लेयर नहीं है तो तुरंत डाउनलोड कीजिए और 24 को देखिए थिंकिस्तान एक ही साथ, 11 एपिसोड छोटे छोटे 25 मिनट के। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।